वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी अमृतसर के गोल्डन गेट पर पहुंचे हाँ। साडे नाल जथेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी अते सिख यूथ फैडरेशन भिंडरांवाला दे सिंह ते जथा सिरलत दे सिंह, असीं सारे इकट्ठे इत्थे होए हाँ क्योंकि अज बहबल कला तो जिथे कि बड़े लंबे समय तो एक मोर्चा चल रहा सीगा बहबल कला ते कोटकपूरा गोलीकांड ते इंसाफ लैण वास्ते। अज उत्थों एक जत्था जिहड़ा है अज सवेरे 10 बजे उत्थों तुरिया ते श्री अकाल तख्त साहिब विखे आ करके उन्होंने अरदास बेनती करनी है, शुकराने की अरदास भी करनी है, संगतों का भी शुकराना, गुरु का भी शुकराना। लेकिन अजे वो मोर्चा चल रहा है क्योंकि अजे तक चलान पेश नहीं होया ते जब तक ये सारा कुछ प्रोसीजर फॉलो नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तद तक उत्थे दा मोर्चा जिहड़ा है निरंतर चलता रहेगा। भाई सुखराज सिंह जी जो कि शहीद भाई किशन भगवान सिंह के बेटे ने उन्हां दी अगवाई दे विच मार्च आ रहा ते जथेबंदियां इत्थे उन्हां दा स्वागत करन वास्ते ते उन्हां नूं उत्साहित करन वास्ते इत्थे जथेबंदियां जिहड़ियां ने ओह खड़ियां होईयां ने और असीं उन्हां दा इत्थे स्वागत करांगे। देखो एक बड़ा लंबा सवाल है, बहुत गुंझलदार सवाल है क्योंकि सरकार जिहड़ियां ने वह यह तो दिखांदियां ने कि असीं इंसाफ दे रहे हैं, इंसाफ देने की गल जिहड़ी है करना तो इंसाफ दे देना दोनों दे विच बहुत वड्डा गैप है। सो एक FIR दर्ज हो जानी तो उसके बाद इस दा चलान पेश होना तो उस केस नूं फास्ट ट्रैक दे उत्ते चलाना तो एट द अर्लीएस्ट छेती तो छेती इहदा जिहड़ा है दोषियों नूं सज़ा देनी। एक ऐसा प्रोसैस है जिहदे विच कि देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन ए कप एंड लिप वाली गल है कि जिहदे विच कि कह सकते हैं कि पता नहीं सरकारां जिहड़ियां ने वह वाकई दे विच एक फ्रेंडली मैच खेडदियां ने या वाकई दे विच बादल परिवार नूं सुमेत सैणी नूं अते जिहड़े दोषी नामजद कीते गए ने पुलिस अफसर उन्हां सारियां नूं सजावां देवेगी। मेरे ख्याल मुताबक एक बहुत अर्ली है इस बारे ये गल कह देनी कि भई इन्हां नूं सज़ा हो जाएगी क्योंकि इहदे विच कई प्रकार दियां लूप होल्स जिहड़ियां ने वह कमियां पेशियां जिहड़ियां ने बचाव दे रस्ते जिहड़े ने वह कई कुछ जिहड़े ने वो नज़र आ रहे हैं तो जब तक ये चार्जशीट सबमिट नहीं होंगी ये बारे कुछ किया नहीं जा सकता। जिस तरह की एक लूप होल की गल की, एक लूप होल यह भी है कि उन्होंने जोड़े प्रेमी ने सरसे वाले उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट च अपील लगाई थी कि यदि सुनवाई जी बाहर पंजाब तो बहर की जाए तो वह सुप्रीम कोर्ट ने एक्सैप्ट भी कर ली है कि वो जी सुनवाई है वो इतने नहीं होगी, पंजाब बहर होएगी। इस तरह का एक केस पहले भी शायद तुम्हें इतिहास के याद होएगा, पहले भी देखा गया सी नहीं पहुँच पाए थे। बिल्कुल ठीक है, मैं तुम इतिहास की गल की है तो मैं याद करा दें थोड़े श्रोतियां कि 13 अप्रैल 1978 अमृतसर विसाखी वाले दिन 13 सिंह शहीद हुए थे और तकरीबन 80 के करीब पुरजे जख्मी हुए थे और वो बकुआ इंसीडेंट जिहड़ा अमृतसर होया सीगा लेकिन उस नूं बड़े तरीके दे नाल बादल सरकार ने करनाल शिफ्ट करता सीगा जबकि करनाल शिफ्ट करन दा कोई लॉजिक नहीं सीगा, कोई दलील नहीं सीगी और उत्थे शिफ्ट करता। नतीजा की होया कि बहुत सारे गवाह जिहड़े उस केस दे विच सीगे वह उत्थे पहुँच नहीं सके। सो जिस वेले शिफ्टिंग ऑफ द केस हुंदी है इहनूं सिक्योरिटी का सुरक्षा का एक बहाना बना करके शिफ्ट किए जाते हैं। इस तरीके नाल जिहड़ा इह केस है बहबल कला वाला गोलीकांड का केस, इस केस जिहड़ा सीगा पंजाब का सीगा फरीदकोट का केस सीगा लेकिन इसनूं सुप्रीम कोर्ट के विच याचिका दाखिल करते जिहड़ा सीगा वो डेरा प्रेमियां ने ये प्रदीप सिंह ने डेरा प्रेमी बंदियां ने इहनूं शिफ्ट करता तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देते कि इहनूं चंडीगढ़ शिफ्ट करता जाए। चंडीगढ़ शिफ्ट करन दा मतलब की है कि जिहड़े बहुत सारे गवाह जिहड़े ने उत्थे नहीं पहुँच सकणगे और मैनूं लगता है कि इस शिफ्टिंग दे नाल जिहड़ा इंसाफ मिलण दी चांसिस जिहड़े ने काफ़ी मध्यम पै गए हैं। हुण इहदे विच हुण सिख जथेबंदियां अते जिहड़ियां सिख संस्थावां ने उहनां नूं पैरवी जिहड़ी है बड़ी डट के करनी पएगी जिहदे नाल कि चंडीगढ़ जिहड़ा केस शिफ्ट होया है उस केस की असीं फॉलोअप चंगी तरीके नाल कर सकीए, यह बहुत जरूरी बन गया है।
सरकार का की रोल समझते हो प्रोफेसर साहब, क्योंकि जिहड़े मंत्री ने धालीवाल साहब उन्होंने आश्वासन दिता सी, फिर उस तो बाद जिहड़े स्पीकर साहब ने वो भी गए सी उन्होंने भी आश्वासन दिता सी, अज उन्होंने कहा सी असी अपना वादा पूरा करता, तुहानूं लगता कि हले सरकार का जिहड़ा रोल है वो बचिया ले के कंप्लीट हो गया बिटवीन कोर्ट एंड जथेबंदी एंड गवाह? देखो जिते शिफ्टिंग का सवाल है ना, शिफ्टिंग दे विच मैं तुहानूं क्लीयर कर दिया कि जिहड़ा पंजाब का एडवोकेट जनरल है साड़ी सूचना मुताबक उसने जा करके सुप्रीम कोर्ट के उन्नी दलेरी नाल ते उतनी काबिलियत दे नाल केस की पैरवी नहीं की जिस दे नाल उन्नू करना चाहिदा सीगा। नतीजा की निकलिया इत्थे कोई लगता है कि भई आप पार्टी भी जिहड़ी है वोट बैंक दे उत्ते निगाह रखती है कि किसी ना किसी तरीके नाल डेरा प्रेमियों की वोट नूं जिहड़ा नाराज ना किया जाए। इहो जिहड़ी सीगी गल इहो बादलां दे विच सीगी, इहो कांग्रेस दे विच सीगी, इहो गल जिहड़ी है अज असी आप दे विच भी देख रहे हैं, तो यो गल जी है वो भाजपा के विच ही है, ता ही करके गुरमीत राम रहीम नूं बार बार परोल मिल रही है। सो जिहड़ी वोट पॉलिटिक्स है कि जिथे कि कंसोलीडेटेड वोट हैगी है डेरा प्रेमियों की, उस नूं ध्यान रखते हुए इस प्रकार के फैसले लिते जाते हैं जिदे करके कि सुप्रीम कोर्ट के अगर डट के इस गल की विरोधता की जाती तो मैं लगता है कि ये केस पंजाब तो चंडीगढ़ ट्रांसफर नहीं होना सीगा। तो किधरे किधरे सियासत जिहड़ी है वोट बैंक जिहड़ा है वो इंसाफ मिलण दे उत्ते भारू हो जांदा है, जिहदे करके असी सिख कौम जिहड़ी है बड़े लंबे समय तो प्रशासन दे हत्थों भी सफ़र कर रही है, अदालतां दे पक्खों भी सफ़र कर रही है, हर पक्खों असी सफ़र कर रहे हैं। सर एक G20 सम्मेलन बहुत वड्डा एक सम्मेलन जिहड़ा माण वाली गल सी और जंगी पद्धर ते अमृतसर दे विच जिहड़ा विकास दे कार्ज करवाए जा रहे, सड़कां बन रही हैं, स्ट्रीट लाइट पेंट सीवरेज लाइन होर बहुत कुछ पै रहा, तो कहा जा रहा है कि भी वह मतलब अमृतसर तो शिफ्ट किया जा रहा है, हाले फिलहाल कन्फर्म नहीं है पर आवाज़ आ रही है कि अमृतसर तो शिफ्ट किया जा रहा फॉर सिक्योरिटी रीजन, तुम्हें की लगता है जी इस तरह है? देखो G20 का अमृतसर का वेन्यू जिहड़ा डिसाइड किया गया सीगा और ये वास्ते नो डाउट कि बड़िया तैयारियां हो चुकी ने। अमृतसर जिहड़ा है वो इंटरनेशनल मैप के उत्ते एक बड़ा प्रोमीनेंट सिटी है, विशेष तौर पर जो असी कही कि सिखां दी धार्मिक कैपिटल वजो जाणिया जाता है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इत्थे हैगा है, सो डिग्नेटरीज जिहड़े ने वह आ करके दरबार साहब मत्था भी टेकते हैं। सो अमृतसर तो इस नूं शिफ्ट जे किया जाता है तो मैं समझदा कि इंटरनेशनल लैवल पर सिखां नूं बदनाम करन वास्ते ही अगर ऐसी कार्रवाई हुंदी है उसमें जरा कि असी डट के विरोध करांगे, क्योंकि G20 अमृतसर दे विच होना चाहिए तो सिख जिहड़े ने बड़े अमन पसंद लोग ने, अमन पसंद लोग ने, ये कभी भी किसी अपने मेहमान नूं अपने डिग्निटरी नूं जां अपमान नहीं करते, उहदी इंसल्ट नहीं करते, इस करके अमृतसर तो G20 का शिफ्ट अगर किया जाता है तो मैं समझदा कि यह बहुत ही गलत डिसीजन होएगा जो कि मैं लगता है कि सिखां नूं बदनाम करन दा एक यतन होएगा। तुहानूं लगता भी सिक्योरिटी रीजन है जिस तरह से डिग्नेटरी दी तुसीं गल कीती है, सैलीब्रिटीज़ आती हैं, डिग्नेटरीज आती हैं, इन्ने नेता आते हैं, मंत्री आते हैं, 1.25 लाख रोज का बंदा आ रहा इतने, तो फिर सिक्योरिटी रीजन वो मैं लगता है और टुकड़ियाँ भी मंगाई गई उत्ते भी टिप्पणी की है। देखो अमित शाह की तो भगवंत मान की मीटिंग हुई है दिल्ली के और उन्होंने 40 कंपनियां मंगवाइया ने इतने और 40 कंपनियां मंगवाण का मैनू नहीं लगता कि कोई लॉजिक सीगा, क्योंकि पंजाब दे विच ऑलरेडी जिहड़ी है पंजाब पुलिस बड़ी वड्डी गिणती विच हैगी है और इत्थे जिवें तुसीं दस्सिया कि 1 लाख तो वध यात्रू इत्थे रोज़ आंदा है, सो किसी प्रकार का सिक्योरिटी थ्रैट कोई नहीं हैगा। ये तो एक गल्लां बनाईया गईया ने पंजाब नूं बदनाम करन वास्ते, सिखां नूं बदनाम करन वास्ते ते अमृतसर नूं बदनाम करन वास्ते ये गल्लां कीतियां जा रहियां ने कि इत्थे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हैगी है, ये सारा कुछ जिहड़ा है इहदे विच एक सियासत खेडी जा रही है और किसी भी प्रकार नाल पंजाबी जिहड़ा है सिख जिहड़ा है वो अपने आए हुए पंजाब के मेहमानों नूं विशेष तौर पर जिहड़े मेहमान अमृतसर च आ रहे हैं उन्होंने वास्ते कभी भी ये नहीं सोच सकता कि इन्हां वास्ते कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। सो ये सारिया जिहड़ियां गल्लां ने मैनूं लगता है कि सियासत तो प्रेरित ने, जिवें कि तुसीं देखिया जाए कि जिहड़ियां 40 कंपनियां मंगाईआं गईआं ने इस तों पहलां सरकार ने कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच जिहड़ा सीगा बहुत सारे चैनल्स जिहड़े कि लाइव प्रोग्राम दे रहे सीगे ते कौमी इंसाफ मोर्चा जिहड़ा सीगा दिन पे दिन जिहड़ा अपनी ताकत पकड़ रहा है उस नूं तों भी सरकार जिहड़ी है डरी है, भयभीत होई है, खौफ सरकार दे मन च पैदा होया है, जिहदे करके मैनूं लगता है कि कौमी इंसाफ मोर्चे दे कुछ चैनल्स नूं बिल्कुल बैन करता गया वो जिहड़ियां लाइव दे रहे सीगे।
सो एक पासे तो सरकार जिहड़ी है जिहड़ा साडा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1) दे अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो बुनियादी अधिकार ने साडे फंडामेंटल राइट्स ने उहदे अधीन चैनल्स का बैन करना जिहड़ा है वह मैं लगता है कि सरकार ने एक गैर संविधानिक अनकॉन्सटीट्यूशनल स्टैप चुकया है जिहदे करके कि सब सिखां दे विच एक अनरेस्ट पैदा हुई है। तो हुण अगर जेकर 40 कंपनियां इत्थे मंगाती जांदियां CRP दियां मैं लगता है कि ये पंजाब सिखां दी भावनावां दे उल्ट है सब कुछ। ऐसा कोई भी इत्थे गल नहीं हैगी पंजाब दे विच जिहदे करके एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सिस मंगाई जांदियां हुण। मैं इत्थे ये भी याद करा दें जिस वेले भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं सीगे MP सीगे उस वेले वो विरोधता करते होंदे सीगे कि भाई पंजाब दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस वेले ये सिक्योरिटी फोर्सिस मंगाइया सीगिया तो उस वेले उहदी निंदा कीती सीगी। तो ऑलरेडी पंजाब दे विच तो जिहड़ा है तो सरहदी खेत्र दे विच 50 किलोमीटर तक BSF नूं अधिकार दिते गए ने। यह नोटिफिकेशन जिहड़ा है 2021 दे विच अक्टूबर में जारी किया गया सीगा। सो इस करके ऑलरेडी जिहड़ा है इत्थे BSF दा एक जिहड़ा है नोटिफिकेशन मुताबक उहनां कोल पावर्स हैगियां ने। सो इस करके एडिशनल फोर्सिस मंगाणा जिहड़ियां ने वो मैं समझदा कि ये कोई सियाणप वाली गल नहीं की गई।